हेलो, ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव अ टाइप ऑफ सिस्टम कॉल. ओके, सी, सिस्टम कॉल कैन बी ग्रुप्ड रफली इनटू सिक्स मेजर कैटेगरीज, एंड दैट कैटेगरीज आर, फर्स्ट वन इज प्रोसेस कंट्रोल, सेकंड वी हैव इज फाइल मैनिपुलेशन, थर्ड इज डिवाइस मैनिपुलेशन, फोर्थ इज इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, फिफ्थ इज कम्युनिकेशन, एंड नेक्स्ट इज अ प्रोटेक्शन. ओके, फर्स्ट है प्रोसेस कंट्रोल. अ रनिंग प्रोग्राम नीड्स टू बी एबल टू हॉल्ट इट्स एग्जीक्यूशन इधर नॉर्मली और एबनॉर्मली. अब प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है? इफ़ यू हैव अ रनिंग प्रोग्राम, अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, दैट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इधर नॉर्मली एग्जीक्यूट होना ही चाहिए उसे, या तो फिर एबनॉर्मली विथ एरर. ओके, तो अगर नॉर्मली वो एंड होता है प्रोग्राम, तो इसके लिए वी हैव सिस्टम कॉल एज एंड. अगर एबनॉर्मली एंड होता है, तो वी हैव सिस्टम कॉल एज. अ प्रोसेस और जॉब एग्जीक्यूटिंग वन प्रोग्राम में लो वॉन्ट टू लोड एंड एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम. अभी अगर हमारा कोई प्रोसेस है मेमोरी में लोड हो रहा है, उसको रन होना है, तो फर्स्ट उसको क्या करना पड़ता है? मेमोरी में लोड करना पड़ता है. आफ्टर दैट, मेमोरी में लोड होने के बाद वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है, राइट? तो फर्स्ट हमने देख लिया, फर्स्ट क्या था? एंड एंड अबॉर्ट सिस्टम कॉल, राइट? अगर प्रोसेस कोई भी रनिंग प्रोग्राम है, दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड नॉर्मली. अगर नॉर्मली हो रहा है, तो वी हैव सिस्टम कॉल एज एंड, और अगर एबनॉर्मली हो रहा है, तो वी हैव सिस्टम कॉल एज अबॉर्ट, राइट? लोड एंड एग्जीक्यूट क्या है? अगर किसी भी प्रोसेस या प्रोग्राम को रन होना है सिस्टम में, तो पहले उसको मेमोरी में लोड, आफ्टर लोडिंग इट कैन गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज क्रिएट प्रोसेस और टर्मिनेट प्रोसेस. अब प्रोसेस अगर क्रिएट करता है, फॉर दैट वी हैव सिस्टम कॉल एज क्रिएट प्रोसेस. किसी भी सिस्टम को, मतलब प्रोसेस को एंड करना, दैट वी हैव एंड प्रोसेस. ओके, क्रिएट अ न्यू जॉब और प्रोसेस, या तो फिर इवन वी हैव क्रिएटेड अ सेट ऑफ जॉब्स, वी शुड बी एबल टू कंट्रोल इट्स एग्जीक्यूशन. एंड वंस यू हैव क्रिएटेड द प्रोसेस, वी मे ऑल्सो वॉन्ट टू टर्मिनेट अ जॉब, राइट? अगर क्रिएट की है, तो उनको एंड भी करना आना चाहिए. फॉर दैट वी हैव टर्मिनेट प्रोसेस, अगर क्रिएट कर रहे तो क्रिएट प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अबॉर्ट टाइम. अभी देखो, अभी अगर हमने न्यू प्रोसेस और जॉब की, तो हमें जो पिछला वाला रन हो रहा है प्रोग्राम, उसके लिए जो है, हमें उसके एग्जीक्यूशन ख़त्म होने के लिए, हमें टाइम के लिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना चाहिए. फॉर दैट वेट करना पड़ेगा. फॉर दैट वी हैव सिस्टम कॉल एज वेट इवेंट. मोर प्रोबेबली फॉर इवेंट, फॉर दैट वी हैव वेट इवेंट. ओके, द नेक्स्ट वी हैव एलोकेट एंड फ्री मेमोरी. किसी प्रोसेस को कब है मेमोरी? फॉर दैट वी हैव एलोकेट मेमोरी, एंड अगर मेमोरी को फ्री करेगी क्वेश्चन के बाद, मेमोरी को फ्री कर देते हैं, राइट? तो उसके लिए वी हैव मेमोरी. फर्स्ट समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस कंट्रोल. प्रोसेस कंट्रोल के कितने हमने लिखे? एंड अबॉर्ट, लोड एग्जीक्यूट, क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, इवेंट, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी, राइट? एंड अबॉर्ट क्या था? अगर कोई भी रनिंग उसको एग्जीक्यूट अगर नॉर्मली होता है, फॉर दैट वी हैव सिस्टम कॉल एज एंड. नॉर्मली होता है, तो वी हैव सिस्टम कॉल एज अबॉर्ट, राइट? देन वी हैव लोड एग्जीक्यूट. जो भी प्रोग्राम को सिस्टम में एग्जीक्यूट करना है, वी हैव टू फर्स्ट लोड दैट प्रोग्राम इनटू अ मेमोरी, देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर सकते, राइट? उसके बाद वी हैड क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस. क्रिएटिंग अ प्रोसेस इज अ क्रिएट प्रोसेस, एंड अगर एंड करना है, सो दैट वी हैव टर्मिनेट प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अ फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट कॉल इज क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल. नाउ
is mean by create file? We first need to able to create and delete files. See, create file. Once the file is created, we need to open it in Visual. First, we'll see the create file. Kuch kuch bhi agar isme read hai, first create a file. Create ke baad, we need to open it, right? We have used the create file. Then we need to open it. So open some call. And write in that or position, reminding or skipping the end of the file. Have you just open this open? Then उसके बाद open करने के बाद we can read in that file, write in that file or reposition, finding or skipping the end of file. Then उसके बाद ये सब read write open करने के बाद क्या करते हैं फाइल को? करने के बाद उसको add करने को Yeah, then we can delete that file. Okay. आवाज नहीं आ रही है? हेलो 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 आवाज आई? हेलो हेलो We have device manager that we have request device for system. होने के लिए बहुत सारे resources की ज़रूरत हो सकती है drive access resources available है तो वो जो है grant करते हैं resources को लेकिन executed अगर resources available नहीं है तो they wait for that execution, right? So for that we have device release device. अगर किसी resource हमें system के लिए किसी resource की ज़रूरत है, for that we have request device. Okay? जैसे file में होता है, we can read, write, that we can release that device. And next we also have or detach. किसी रिसोर्सेज से हमें अगर चाहिए तो वी कैन अटैच दैट और नहीं चाहिए तो वी कैन ओके डिवाइस हैज बीन रीड राइट राइट रिपोजिशन द डिवाइस जस्ट एज ओके नेक्स्ट वी हैव मेंटेन इंफॉर्मेशन सी मेनी सिस्टम कॉल्स एग्जिस्ट सिंपली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे सिस्टम कॉल ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सिस्टम कॉल ऐसे होते हैं जैसे वी हैव गेट टाइम और डेट टू क्या रिटर्न करेगा इसमें करंट जो भी टाइम अदर सिस्टम कॉल में रिटर्न इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे करंट यूज़र क्या है
देन फिर वी हैव ना सिस्टम डेटा, करंट यूज़र क्या है, देन उसका वर्जन नंबर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कितनी फ्री है सिस्टम में, डिस्प्ले एंड सो ऑन लाइक दैट। ओके, जो सारे इंफॉर्मेशन होंगे वो हमें मिल जाएगा। ओके, वी कैन ऑल्सो लाइक सेट सिस्टम का डेटा जो भी है। नेक्स्ट वी हैव इज अ कम्युनिकेशन। सी, दो टाइप के मॉडल्स होते हैं फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक होता है मैसेज पासिंग मॉडल, दूसरा होता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। मैसेज पासिंग मॉडल में क्या होता है, जो भी कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस है दे एक्सचेंज मैसेजेस विद अस टू ट्रांसफर, जो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, दे कैन ट्रांसफर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ कॉमन मेल बॉक्स। अब यहाँ पे देखो है क्रिएट और डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन। अब जैसे कम्युनिकेट करना है, फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन दैट टू प्रोसेसिंग। अगर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करना है तो क्या करना पड़ता है, फर्स्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। ओके, फॉर दैट कम्युनिकेशन कनेक्शन का सिस्टम, तो उस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए फर्स्ट क्या क्या तरीका है, चाहे वो सिस्टम पे हो या दूसरे सिस्टम पे हो, और फिर क्या करना पड़ता है, एक ओके okay. नेक्स्ट क्या होता है, सब केशन कंप्लीट तो डिलीट करना होता है। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क। पहले हमने देख लिया कौन कौन से होते हैं सिस्टम टाइप, टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन 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 से हैं, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फिर होता है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, फिर क्या था कम्युनिकेशन, लास्ट वन वॉज प्रोडक्शन, राइट।